मुंबई एक ऐसी माया नगरी जहां हर रोज हजारों की तादाद में लोग फिल्मों में अपनी तकदीर आजमाने आते हैं। कुछ सफल भी हो जाते हैं तो कुछ अपने बिखरे सपनों के साथ इस शहर को हमेशा के लिए अलविदा कर देते हैं। लेकिन इस भीड़ में कुछ ऐसे भी आए जिनके इरादे और शौक दोनों ही मजबूत थे। चैन नहीं है लोगों को। आज संजय के साथ एग्रीमेंट होने वाली थी। कौन संजय? संजय लीला भंसाली। और कौन? ओए काके, ये ख्याली पुलाव पकाना बंद कर। हाँ हाँ हंस लो सालो, उड़ा लो मजा। जब फिल्म फेयर के मैगजीन पे मेरी फोटो छपेगी ना तब आना ऑटोग्राफ ले। लो, ये तो नाराज हो गया। अरे ये सब छटे हैं। ओए चार्ली तू ये बता कि आज नाश्ते में की बनाए? समोसे, कचोरी, ते पराठे। मैंने कहा यहाँ होटल खोल रखा है, जो बनाए चुपचाप खा लो। अरे यार फिर पोहे खा लो। चलिए आज वो रेंट ऑफ बिल्स का देख लेना। हाँ यार आज वो देख लेता हूँ। पाजी बड़े सोड़े लगते हो तुसी, तोड़े वर्गा कोई है ही नहीं। यार ये किससे बात कर रहे हैं? अरे वही पुराना मिरर के सामने खड़े रह के खुद की तारीफ खुद ही करना। चल दिखाता हूँ। ओ सच्ची पाजी मैं कह रहा हूँ, मेरा विश्वास करो, तोड़ने वाला है, सब कोई आ गया नहीं। हाँ जी हेलो। ओ जी यस। ओ यस यस शाबा। ओके जी श्योर। ओके जी और चलो भाइयों यारों आज मेरा शूटिंग फिक्स हो गया। वाओ दैट्स अ ग्रेट न्यूज़ यार। ओए पांच सौ 5,000। वैसे भाइयों आज तो मेरा भी शूट फिक्स हो गया है तो रात को मैं भी लेट आऊंगा। अरे यार क्या बात है यार। एक्सक्यूज मी सर, यह ऑडिशन चल रहा है क्या? अरे जाओ ना भाई, क्यों बार बार भगाने आ जाते हो? कौन है तुमसे? एक बार जब होगा तो बताएंगे। चलो जाओ। यार रोहन 8 महीने हो गए अभी तक एक काम नहीं मिला, कब तक ऐसे चलेगा यार? अरे चाली टेंशन क्यों लेता है यार, मेहनत करेंगे अपन, जोर लगा के मेहनत करेंगे। नहीं यार रोहन तू समझ नहीं पा रहा, हर महीने घर पर पैसे भेजने पड़ते, जब भी घर पर फोन करता हूँ बस एक ही सवाल पूछते, काम कब मिलेगा? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सब छोड़ छाड़ के वापिस चला जाओ। अरे नहीं नहीं चाली, ना दूर आके हार नहीं मान सकते यार, I'm sure, हमें काम जरूर मिलेगा। हेलो यस रोहन दिस है क्या?
आई मीन दैट्स ग्रेट न्यूज. हाँ हाँ ओके ओके थैंक यू यार. चार्ली क्या हुआ रोहन, तुझे याद है हम चारों ने वो वेब सीरीज वाला ऑडिशन दिया था? कौन सा? अरे जो तूने रिसर्च किया था कि उनको फ्रेश फेस चाहिए करके. हाँ हाँ हाँ. तो अभी उसी प्रोडक्शन से कॉल आया, कह रहे थे कि हम चारों में से दो को शॉर्टलिस्ट किया और उन दो में पहला प्रेफरेंस मुझे दे रहे. अगर तूने नहीं किया तो दूसरे को चांस देंगे. बस दूसरा वाला कौन है? वो दूसरा तू ही है चाली. अरे चाली तेरा भी कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो ही जाएगा, टेंशन मत ले यार. अच्छा चल मुझे तैयारी करनी है, मैं निकलता हूँ. मैं चार्ली जोसेफ 12 जून 2021 को मुंबई आया एक कलाकार का ख्वाब लेकर इस माया नगरी में उतरा. कई धक्के खाए, कई रिजेक्शन फेस किए और कई बार तो ऑडिशन वेन्यू से नॉट फिट कहकर भगा दिया गया. इन 8 महीनों के संघर्ष में मैंने बहुत कुछ खोया और पाया भी. मेरे 3 यार कबीर, रोहन और वरुण. कुछ भी हो जाए इन तीनों ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, हमेशा मेरे साथ खड़े रहे. लेकिन आज जो मैं करने वाला हूं उसके लिए मुझे कोई कभी माफ नहीं करेगा. आठ महीने हो गए अभी तक एक काम नहीं मिला. यह ऑडिशन चल रहा है क्या? अरे जाओ ना भाई, क्यों बार बार बताने आ जाती हो? यार चाली हम चारों ने वो वेब सीरीज वाला ऑडिशन दिया था, जो तूने रिसर्च किया था, दो को शॉर्टलिस्ट किया. अगर तूने नहीं किया तो दूसरे को चांस देंगे. दूसरा वाला कौन है? दूसरा तू ही है चाली. यार चाली दो को शॉर्टलिस्ट किया. अगर तूने नहीं किया तो दूसरे को चांस देंगे. दो को शॉर्टलिस्ट किया. दूसरा तू ही है चाली. दो को शॉर्टलिस्ट किया. दूसरा तू ही है चाली. बस बस बहुत हो गया. ओए चाली तूने पी रखी है? ओए मेरे ये क्या कर रहे चाकू हाथ में लिए? अरे क्या हुआ ये तो बता. क्या बताओ? हाँ क्या बताओ? पिछले 8 महीने से खाली बैठा हूं. इतनी मेहनत करने के बावजूद एक काम नहीं मिला अभी तक. टॉप 2 में जाकर भी तेरा हुआ है. मेरा नहीं. बस अब बहुत हो गया. बस अब बहुत हो गया. ऐसे मेरे साथ ही क्यों होता है यार? टैलेंटेड नहीं हूं, एक्टिंग करने नहीं आती मुझे. हेलो. ओ हाँ जी यस यस एक मिनट. वो चार्ली ये बात कर फोन है. मुझे किसी से बात नहीं करनी. वो एक बहुत जरूरी कॉल होगा, ले बात कर एक मिनट. हेलो क्या हुआ? आर के प्रोडक्शन से कॉल था. उन्होंने मुझे एज अ पैरेलल लीड कास्ट किया है. ये तो अच्छी बात है. यार रोल तू सच कहता था यार, मेहनत करने से काम जरूर मिलता है. आज नहीं तो कल सब्र का फल जरूर मिलता है यार. ओ यारो इस बात पे तो पार्टी बनती है. जो ये फिर शुरू हो गया.
a connection. He's disconnecting from the source within. There were parts of my core senseless and frozen. Wisdom hidden locked up in my soul. Now it's the time to realign. Reconnecting my foundation, reunite. Oh, I'm digging, got my feet on solid ground.